हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल खाना सजाना में। दोस्तों आज हम बनाएंगे सरसों का साग। ये पंजाब की बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये मक्के की रोटी और चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगता है। इसे बनाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही यमी साग बनके तैयार होता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लेट सरसों का साग, आधा प्लेट पालक, आधा प्लेट बथुआ लिया है। अगर आप बथुआ नहीं डालना चाहते हैं तो एक प्लेट सरसों का साग, एक प्लेट पालक का साग हम लेंगे। इन सभी साग को मैंने साफ़ करके एकदम बारीक काट के 2 से 3 पानी इसे वॉश कर लिया, ताकि इसकी सारी मिट्टी और गंदगी निकल जाए। हम सभी सागों को कुकर में डालेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि साग की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी कि कुकर में सारे साग कैसे आएंगे, तो साग गलने के बाद जो है बहुत ही कम रह जाएगा, इसलिए आप सारे साग को कुकर में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 लीटर का कुकर यूज किया है। सारे साग हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा नमक, साग गलने के बाद बहुत ही कम हो जाएगा इसलिए नमक बहुत ही सावधानी से डालें, और आधा ग्लास मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। कुकर में 4 से 5 सीटियां लगा लेते हैं। सीटियां आ चुकी हैं। प्रेशर कुकर को हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि साग की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, थोड़ा सा इसने पानी भी छोड़ा हुआ है। अब एक करछी की सहायता से हमें इसे बहुत ही अच्छे से मैश करना है। अगर आपके पास मथनी है तो आप उससे भी इसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे साग पूरा ख़राब हो जाएगा, एकदम पेस्ट लाइक अ पेस्ट हो जाएगा और वो टेक्स्चर नहीं आ पाएगा। हमें मथनी या फिर करछी की सहायता से ही इसे मैश करना है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपको लगने वाली है, लेकिन साग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा बनने के बाद। अब हम इसे गैस पे धीमी आंच पे इसे हमें पकाना है, और बीच बीच में हमें इसे इस तरह से क्रश करते हुए और मथते रहना है, ताकि साग के जितने भी पत्ते डंठल हैं सब आपस में बहुत ही अच्छे से मैशी हो जाएं। ढकते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें लिड को पूरा कवर नहीं करना है, हमें थोड़ा सा जगह खुला रखना है जिससे साग की कड़वाहट भी निकलती रहे। अगर आप इसे पूरा कवर कर देंगे तो साग थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। बीच बीच में चेक करते रहना है ताकि साग हमारा नीचे से जले नहीं। हमें इसे करछी की सहायता से हमें बार बार इसे मैश करते रहना है, और धीमी आंच पे इसे हमें पकते रहने देना। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पानी काफ़ी सूख गया है। जब भी आपको लगे कि पानी सूख गया है या कम हो रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमेशा हमें गर्म ही पानी ऐड करना है, ठंडा पानी नहीं ऐड करना। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें इसी तरह से बीच बीच में इसे मैश करते रहना है। अगर पानी कम हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसे हम ढककर पकाएंगे, फिर मैश करेंगे। इस प्रोसेस को करने में आपको लगभग 30 से 40 मिनट लग सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साग पत्ते डंठल सब कुछ अच्छे से मैशी दिख रहा है। इस स्टेज के आने पर अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच मकई का आटा। दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ मकई का आटा ही ऐड करना, इसी से स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और साग का टेक्सचर भी। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, और इसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मैश करते हुए हम इसे मिक्स करेंगे साग में। दोस्तों मकई का आटा डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मैश करते हुए 5 मिनट के लिए और पकाना है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लगे साग तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अब हमारी साग की जो थिकनेस है वो कितनी जुड़ी हुई साग और एकदम क्रीमी टेक्सचर आपको दिख रहा होगा। हमें बिल्कुल ऐसा ही साग चाहिए कि एकदम क्रीमीनेस उसमें आ जाए और एकदम सारे पत्ते सारे डंठल एकदम मैशी हो जाए और एकदम साग जुड़ा हुआ हमारा दिखने लगे। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज के प्याज, एक बड़ा साइज का टमाटर, 3-4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और एक पूरा लहसुन का बंच मैंने लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे, इससे साग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी डालने से साग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए लहसुन। लहसुन को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर।
अदरक को मैंने ऐड कर दिया है इसमें, इसे भी हम साथ में फ्राई कर लेते हैं। अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। हमें प्याज को पूरा एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बहुत ही लाइट ब्राउन आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देख पा रहे हैं दोस्तों कि प्याज हमारा हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो गया है। इस स्टेज पे हम हरी मिर्च डालेंगे और इसे भी साथ में ही फ्राई करेंगे। प्याज हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर और साथ ही इसमें डाल देंगे स्वादानुसार थोड़ा सा नमक और इसे हम ढक कर पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे से एकदम मैशी ना हो जाएं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हमें इसे कुक करना है। अगर आपका टमाटर सॉफ्ट नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से हमें सॉफ्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी मसाला यूज नहीं कर रही क्योंकि साग में कोई भी मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हमने साग को बिल्कुल क्रीमीनेस बना के रखा था साइड में, उसे हम इसमें ऐड कर देते हैं और बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है कि सारा तड़का हमारे साग में अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको ये पंजाब की स्पेशल रेसिपी सरसों के साग की कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने इसे पूरे अच्छे से मिक्स कर लिया है। साग जब भी गाढ़ा लगे आप थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, हमेशा गर्म पानी ही ऐड करना है। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसे और ढक कर हमें इसे पकाना है ताकि तड़के का सारा फ्लेवर हमारे साग में बहुत ही अच्छे से आ जाए। इस प्रोसेस में आपको कम से कम 15 मिनट और लगेंगे दोस्तों। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है और जब भी हमें लगे कि पानी कम हो रहा है हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे हमेशा हमें मैश करते हुए ही चलाना है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अब साग का टेक्सचर थोड़ा और चेंज हो रहा है, वो एकदम क्रीमीनेस लुक में आता जा रहा है। हमें इस प्रोसेस को करने में 15 से 20 मिनट लगेंगे दोस्तों। ऐसी और भी आसान सी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पंजाब की स्पेशल डिश सरसों का साग बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी बनके हमारा तैयार है दोस्तों। दोस्तों आप इसे जब भी सर्व करें तो इस पे देसी घी और लाल मिर्च का तड़का ज़रूर लगाएं, इससे साग का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।